दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं बेल्ट्रॉन डीओ न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो दोस्तों, वो वीडियो जो है वो हमने जब बनाया था, जब ये बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो आपको वो लेटर अपलोड नहीं हुई थी उसके समय में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जिसकी लंबी समय से यानी वर्षों से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के इंतज़ार में थे, तो उनके लिए अच्छी खबर है दोस्तों। बेल्ट्रॉन की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको जारी कर दिया गया है। अगर आप भी बेल्ट्रॉन में न्यू रजिस्ट्रेशन करके और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको 12th बेस पे और कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको हिंदी और अंग्रेज़ी का जो है वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेल्ट्रॉन की ओर से जो ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट के, जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो ऑफिशियल लेटर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाने वाले हैं और कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका अप्लाई जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो बिना देरी किए चलते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। आपको बेल्ट्रॉन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो लेटर एंड सर्कुलर सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फरवरी 6, 2024 10:21 AM में जो है वो आपको ये लेटर अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ DEOS यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो नया रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पे नोटिस आपको अपलोड कर दिया गया है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका अटैचमेंट जो है वो आपको PDF दिख जाएगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो ऑफिशियल जो है लेटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसको लेकर के ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख करके मेरे चैनल पे जा करके और वो वीडियो पे आप देख सकते हैं, जिसमें हमने ये पूरे PDF को डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। तो इसको हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो है वो आपको सूचना दिया गया है और 2/2/2024 के डेट में ये लेटर पब्लिश्ड होता है बेल्ट्रॉन की ओर से। इसके बाद इसका शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं 10+2 पास एवं 1 वर्ष का जो है वो कंप्यूटर कोर्स और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का जो है वो अनुभव रखने वाले, या नहीं तो आपके पास DDO यानी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो प्रशिक्षण अगर आप किए हैं बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका उम्र सीमा की बात करें तो 18 से आपको 59 वर्ष के कोई भी लोग जो है वो भर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो SC ST हैं उनको 250 रुपया लगने हैं और महिला कैंडिडेट को भी 250 और बाकी जनरल को जो है वो आपको 1000 रुपया लगने वाला है। यहाँ पे इसका टेंटेटिव डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि वन निर्देश यहाँ देख सकते हैं 20/2/2024 से जो है वो आपको ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो यहाँ पे इसका स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी 2024 रखा गया है और इसका एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2024 जो है वो आपको रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर नीचे बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों, इसकी सिलेबस की बात किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIS के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस है उसी के आधार पे आपको इसका एग्ज़ाम का सिलेबस कोड संख्या 336 का समान होगा और सिलेबस के इसके वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 60 नंबर का आपको MCQ टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको 30 नंबर जो है वो आना चाहिए उत्तीर्णता के लिए यानी पास होने के लिए, और उसी दिन आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपको
25 वर्ड पर मिनट जो है वो आपको स्पीड आना चाहिए। उसके बाद आपको इसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपको हिंदी टाइपिंग के आधार पे ही वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रकाशित किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसके बाद आपको 100% आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसका फ्रंट की बात करें तो हिंदी और टाइपिंग और टेस्ट मंगल फ्रंट पे जो है वो आपको रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पे जो है वो आपको लिया जाएगा। और अंग्रेजी में 30 और हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 वर्ड पर मिनट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। साथ ही जो महिला है और अनुसूचित जाति जनजाति के है उनको आपको 10% और दिव्यांग व्यक्ति को 15% का जो है वो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में ये अधिमानता दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस तरह से जो है दोस्तों ये लेटर निकाला गया है बेल्ट्रॉन की ओर से ऑफिशियल जो है। तो यहाँ पे सर समय पे इसका जो है वो वेबसाइट पे सूचना जो है दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इसका टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उसे आप संपर्क करके भी बात कर सकते हैं। इसके बाद इसकी अगर हम सैलरी की बात करें, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में न्यू जॉब करके और बहाल होते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है। बहुत सारे ऐसे जो BPSM के कार्यपालक सहायक थे उनका ज्वाइनिंग हुआ है, तो एक हम ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपको दिखा देते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि न्यू डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है सैलरी जो है वो मानदेय कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी की बात करें तो हमारे बैकग्राउंड में आपको दिख गया होगा ये ऑफिशियल जो है वो आपको बेल्ट्रॉन की ओर से ज्वाइनिंग लेटर है, जो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में बिहार के जितने भी विभाग है कार्यालय है उसमें प्रतिनियुक्ति सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कराया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रम अधीक्षक निर्माण श्रमिक सर नोडल पदाधिकारी ERP श्रम संसाधन विभाग बिहार भवन एवं अन्य समीकरण कर्मकार कल्याण बोर्ड पटना में आपको सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियमित पारिश्रमिक दर पर डाटा इंटरप्रेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराने के संबंध में जो है वो आपको टोटल 68 डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है वो आपको ज्वाइनिंग दिया गया है। और इसमें आपको नीचे दिख जाएगा कि उसका सैलरी का क्या है नियम शर्त और कितना मिलने वाला है। तो ये इस तरह से ये ऑफिशियल जो है वो बेल्ट्रॉन का ये ऑफिशियल जो है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें आपको टोटल 68 जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज्वाइनिंग दिया गया था और इसका सेवा शर्त जो है वो आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सैलरी जो है यहाँ पे उपयुक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर यानी अधियासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि GST दिनांक 1/7/2017 के प्रभाव से SGST 1927 और CGST जो है वो 1927 यानी दो तरह का GST लगने वाला है, यथा कुल GST आपको 3846 रुपया जो है वो आपको कट जाएगा। इसके बाद शहीद विपद की कुल राशि प्रति माह 25,209 रुपया जो है वो आपको मिलने वाला है, वो आपको विभाग से मिलेगा 25,209 रुपया। उसमें 3800 रुपया जो है वो आपको 3846 दो तरह के GST में कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 25,209 होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती यथा EPF और ESI सेवा शुल्क की राशि 7965 यानी 7965 की कटौती के उपरांत शेष राशि कुल यानी 17,244 रुपये जो है वो आपको मात्र डाटा एंट्री ऑपरेटर के भुगते होगा। सरकार द्वारा प्रशासनिक दर बढ़ाने घटनाने पर ससमय संशोधित समझा जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको 25,209 रुपया में दो तरह के GST और EPF और ESI की कटौती करने के बाद आपको जो मिलने वाला है वो आपको ये 17,244 रुपया जो है वो आपको प्रतिमा आपके अकाउंट में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो हमने इसकी जानकारी एक और वीडियो में बता दिया है। आज के वीडियो में हमने इसकी सैलरी को लेकर के भी बता दिए कि आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके और ये लेटर या फिर ऑफिशियल नोटिस, इसके साथ ही अगर बेल्ट्रॉन की तैयारी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर की बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में लगभग अलग अलग डेटों में 10-12 डेट में हुआ था, तो वो पूरा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है MCQ टाइप्स का वो हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तैयारी करने के लिए ये 2024 में, तो
तो आप नीचे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर मिलते हैं और एक जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।